नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बिकॉज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी एक्टर जिनके जो है सर के ऊपर जो है घाव हो चुका है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, और दूसरा एक जो है व्यक्ति थे NRI थे, उनकी जो है आंखों की रोशनी जा चुकी है, उनकी जो पुतलियां निकाल ली गई हैं उसके ऊपर बात करेंगे क्या कारण है, और इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और दूसरी चीज़ क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना चाहिए, एक्चुअल में क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराना आपके लिए सही है, ये सारी चीज़ें जो है आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो है एज अ यूट्यूबर बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के साथ हूं। एक मेडिकल फील्ड के बारे में मेरा नॉलेज बहुत सीमित है, ठीक है, और मैं मेडिकल के स्टूडेंट भी नहीं रहा हूं। हालांकि मैं साइंस का स्टूडेंट जरूर रहा हूं, लेकिन मेरे पास मेडिकल नॉलेज जो है बहुत ही सीमित है, ठीक है। मैं जो भी आज बताऊंगा, मैं जो भी चीज़ बताऊंगा वो पर्सनल एक्सपीरियंस डॉक्टर से पूछा गया है और मेरे खुद के जो है कुछ रिसर्चेस हैं उसके ऊपर और अपना एक्सपीरियंस ऐड करके मैं वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा। दोस्तों दोनों केस पर जो है एक एक करके बारी बारी से जो है नजर रख लेते हैं, ठीक है। पहला केस जो है जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी गवा दी, तारिक खुशरू जो है, इनकी जो है आंखों की रोशनी जा चुकी है। जी हाँ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दो बाद एक्चुअल में हुआ ये था 2016 में जो है ये हैदराबाद आए हुए थे। हैदराबाद आने के बाद इन्होंने एक ऐड देखा, एडवर्टाइज देखा, और वहां पर जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराने चले गए, और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो है उनको कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो चुके थे। उसके बाद जो है इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी राइट आईबॉल जो है निकालनी पड़ गई, और उनको ये पता ही नहीं था कि ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन उनकी नौकरी ले लेगी, उनकी आंखों की रोशनी ले लेगी, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। दूसरा केस दोस्तों पाकिस्तानी एक्टर का है जो बहुत ही न्यूज में आ चुका है और सबको पता ही होगा। पाकिस्तानी एक्टर है जो, उनका भी जो है हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और इतना एरिया जो है वो खाली घाव हो चुका है, और पता नहीं, और जहां पे गए थे उनके फ्रेंड ने जो है फोर्स करके उनको पहुंचाया, उनका हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया। सुना जा रहा है कि शायद वो ये चाह रहे थे किसी एक्टर का मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, वो भी बहुत ही दुखदायक था। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा ये एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांटेशन से क्या हो सकता है, ये सारी चीजें क्या कारण रही होगी, दोनों केसेस में क्या कारण रही होगी। जी हाँ दोस्तों, और क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना चाहिए, आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज याद रखिए, इन दोनों केसेस में है ना इनकी मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से ली नहीं गई है। तारिक खुशरू जी की अगर बात करें, वो डायबिटिक थे। जी हाँ, वो डायबिटिक थे, उनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं ली गई, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट जो है अगर आपका हाई, जैसे मैंने, मेरे को लाइव, जब मैं लाइव आया था लास्ट टाइम, उस टाइम मेरे को ये सवाल पूछा था किसी ने और मुझे इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन मैंने तुक्के में ये आंसर दिया था कि डायबिटीज पेशेंट के जो है घाव भरने में टाइम लगता है और ये भी हो सकता है कि उनका इन्फेक्शन बढ़ जाए, ठीक है। तो वो डायबिटिक थे और उनका पता नहीं, उनका हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर रहा होगा और उन्होंने उनका ट्रांसप्लांट कर दिया जिससे इन्फेक्शन बढ़ गया। एनेस्थीसिया का जो वो डोज है, कुछ सॉल्यूशन मिलाते हैं डॉक्टर्स लोग, उसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, डॉक्टर लोग ज़्यादा जानते होंगे, उसमें भी कुछ किया होगा, उसके कारण भी इन्फेक्शन बढ़ चुका होगा, ठीक है। ये सारे केस रहे होंगे तारिक खुशरू जी के साथ, ठीक है। और सेम केस हुआ पाकिस्तानी एक्टर जो थे उनके साथ भी यही रहा है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री ली नहीं गई, उनका मेडिकल टेस्ट ही नहीं कराया गया और उनको पकड़ के हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। तो दोस्तों अगर मैं न्यूट्रल तरीके से बात करूं, आप दोनों केस में ही अगर देखें, और तारिक खुशरू जी की एक और बात सामने आई कि वो स्टराइल, मतलब स्टराइजेशन वो भी सही नहीं था, ठीक है, और ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल अगर न्यूट्रल होकर बात करूं, कहीं भी किसी के इंफ्लुएंस में मत जाइए। हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना क्या सही है, अगर आपकी एज हो चुकी है, आपका हेयर लॉस, हेयर फॉल जो है स्टेबल है और आपको एक ढंग का क्लिनिक लग रहा है, बात कीजिए वहां पे, ठीक है, तब जाइए। अगर वहां पे डॉक्टर्स नहीं हैं तो वहां हेयर ट्रांसप्लांट कराना अपने लाइफ के साथ खेलने के बराबर है, ठीक है। डॉक्टर्स की मौजूदगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इन दोनों केस में है जो मेडिकल हिस्ट्री नहीं ली गई है, आपको ये याद रखिएगा, कोई भी आपका जो है ना जो मेडिकल टेस्ट होता है ना, ये आपकी बॉडी की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि आप डायबिटिक हैं, कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है, आपका खून बहने और सूखने में कितना टाइम लगता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम, ये सारी चीजें जो है ना ये आपकी बॉडी का कंडीशन बताता है कि भाई इसको मैं यहां पर जो है
काट पोक करूंगा तो ब्लड निकलेगा, ब्लीडिंग से भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। कुछ क्लिनिक्स हो सकता है ऐसा, मुझे पता नहीं, कि पैसे कमाने के चक्कर में मान के चलो आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, और आपने जाके बोला मैं तो अभी लगातार ड्रिंक और स्मोक कर रहा हूं, उनको पता होते भी आपका हो सकता है ऑपरेट करने की कोशिश करें, फिर बाद में पता चले कि ब्लीडिंग से आपको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको ड्रिंक स्मोक ये सारी चीज आपको रोकनी पड़ती है ताकि आपका रोटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम जो है वो सही टाइम पे आ जाए। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, जब आपका सर्जरी होता है ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अगर आपको ऑलरेडी बढ़ा हुआ होगा तो और ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड शुगर आपका बहुत ज्यादा है, अगर ब्लड शुगर के अगर आप पेशेंट हैं, अगर ब्लड शुगर आपका ज्यादा है तो आपका घाव हील होने में टाइम लगेगा और बहुत खराब स्थिति भी हो सकती है। ब्लड शुगर का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे फादर की आंखों की जो है लेजर ऑपरेशन होने वाला था, लेजर ऑपरेशन के ही लिए भी ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ये नॉर्मल करवाने में हॉस्पिटल से वापस हम लोगों को आना पड़ा था 15-20 दिन, एक हफ्ते या 15-20 दिन के लिए, कि ब्लड शुगर नॉर्मल करवा के लाओ। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी चाहिए। और दूसरी चीज दोस्तों, एज अ यूट्यूबर मैं अगर आपको बताऊं कि किसी भी यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस से किसी क्लिनिक में मत जाइए। अगर मैं फ्रेंकली बताऊं आपको, आपको अगर स्क्रीन पर नंबर चलता हुआ दिखता है आप उन पर कॉल जरूर कीजिए, पर उस याद रखिए उस दिमाग में उस टाइम पे कि वो यूट्यूबर आपके साथ नहीं रहेगा उधर पे। अगर वहां पर आप कॉल करके देखते हैं कि डॉक्टर्स नहीं है या डॉक्टर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप दूसरा क्लिनिक भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस में मत जाइए, आप कॉल कीजिए, स्क्रीन पे नंबर चलते हैं, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, सेटिस्फाई होइए, और ये जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनके बारे में भी बात कीजिए अपने डॉक्टर्स से, किसी भी क्लिनिक में अगर आप जा रहे हैं कि ये क्यों हुआ होगा, क्या हुआ, आपको अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिलते हैं तभी जाइए। क्या मेरे साथ होने के चांसेस कितने हैं, ये पूछिए उनके साथ। अगर आपका जो है मेडिकल हिस्ट्री नहीं लिया जा रहा है कि आपका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड, कोई दवाइयां चल रही है नहीं चल रही, ये सारी चीज आपको नहीं लिया, आप जा रहे हैं सर्जरी के लिए, सर्जरी है भाई, घाव करने वाले हैं आपके, इसको एक्चुअल में सर्जरी का एक्चुअल में कुछ लोग बोलते हैं सर जब तक काटो नहीं ना उसको सर्जरी नहीं मानते, बट ये एक्चुअल में थोड़ा पोक ही बस किया जा रहा है आपको, लेकिन ये एक्चुअल में ये सर्जरी ही है। कुछ लोग बोलते हैं ये नॉन सर्जिकल भी मेथड है, लेकिन ब्लड निकल रहा है तो ये इसको सर्जरी ही माना जाता है, बट ये एक्चुअल में सर्जरी है क्योंकि वो घाव कर रहे हैं और घाव आपका सूखने में टाइम लगेगा, उसका उसके लिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितना मजबूत है, आपका बॉडी की इम्यूनिटी उसका भी परीक्षा होता है, और वो सारी चीजें आपके उस मेडिकल रिपोर्ट के जरिए डॉक्टर को पता चलती है। तो दोस्तों बिना मेडिकल टेस्ट के तो कभी जाइएगा भी नहीं। मैं अगर सेकंड सेशन के लिए भी जाऊंगा ना तो भी मैं अपना मेडिकल टेस्ट करूंगा, मैं एक और टेस्ट भूल गया, एचआईवी का भी टेस्ट होता है। एचआईवी के टेस्ट के दौरान जो है जितने भी इक्विपमेंट वो थोड़ा महंगा होता है, किसी को अगर एचआईवी है वो अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो वो हो सकता है, लेकिन उसका जो इक्विपमेंट्स वगैरह है ना पूरे जो है ना वो फेंक दिया जाता, मतलब उसको पूरी तरीके से फेंक दिया जाता है, डिस्पोजल रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिए अगर डायबिटीज़ हैं आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी भी एज में है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आप जो है नॉर्मल करिए उस चीज़ को, और बाकी अपने फिजिशियन या डॉक्टर की सलाह लीजिए पूरी तरीके से, उसके बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाइए। ये वीडियो का मकसद मेरा जो इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको डरा दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट मत कराने जाओ, ये कराने जाओ, वो कराने जाओ, मत कराओ, ये सब नहीं है मेरा इंटेंशन। बट एज अ यूट्यूबर मैं अगर सेकंड सेशन के लिए भी जाऊंगा तो अपना मेडिकल टेस्ट करवा के फिर जाऊंगा, तो एज अ यूट्यूबर मेरा ये सिंपल सा मकसद है कि आप लोग जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लाइटली मत लो एकदम तरीके से। ठीक है ना, क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए? अगर आपका हेयर फॉल स्टॉप हो चुका है, आपकी उम्र हो चुकी है ठीक ठाक 25 के ऊपर, 24-25 के ऊपर हो गए हैं और आपको लगता है आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, आप जा सकते हैं, बट मेडिकल टेस्ट के बाद ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक कर दीजिएगा, और शेयर लाइक करो चाहे ना करो भाई, शेयर कर देना इस वीडियो को भाई, शेयर कर देना प्लीज, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।